दोस्तों बड़ौदा में अपना आखिरी दिन है, तो सोचा 7 बजे की मेरी आज की ट्रेन है, तो सोचा कुछ ना कुछ आपको घुमाया जाए। यहाँ पर भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ लगता है मुझे है तो घुमाएं। तो एक तो पैलेस है, उसमें अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, और एक था साया जी बाग, मैं बाग में आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माई ट्रैवल रन, मैं अविनाश, आज आपको घुमा रहा हूँ बड़ौदा। बड़ौदा के फेमस साया जी बाग में आए हैं, जहाँ पर आपको मिलता है जू, म्यूज़ियम और एक गार्डन। तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या है, क्या एंट्री फीस है अगर है तो कितनी है, और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को रेड बटन दबाइए और कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और शुरू करेंगे ट्रैवल रन, और घुमाते हैं आपको सयाजी बाग। दोस्तों गार्डन घूमने के लिए आपके पास यहाँ पर टॉय ट्रेन का ऑप्शन है, अगर आप पैदल नहीं घूमना चाहते हैं और टॉय ट्रेन एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। और टॉय ट्रेन की टिकट है यहाँ पे 50 रुपये, गुजराती मुझे पढ़नी नहीं आती है, 50 प्रति व्यक्ति, और ये शायद 25 लिखा है, छोटे बच्चों की 25 रुपये, 3 से 12 की 25 रुपये, स्कूल वाले को 20 रुपये, स्कूल के से हैं तो डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपये। तो चलिए टिकट लेते हैं अपनी और हम भी घूमते हैं। तो दोस्तों अभी ट्रेन का सफ़र थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि 40 लोग होंगे तो ही वो चलेगी, या फिर 40 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ों में ही कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर म्यूज़ियम एक्सप्लोर करते हैं। म्यूज़ियम में जहाँ तक मुझे लगता है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, क्योंकि होती नहीं है, अगर हुई तो दिखा देंगे, नहीं हुई तो बाहर निकल के दिखा देंगे आपको, बाहर से व्यू दिखा देंगे म्यूज़ियम का, अच्छा लग रहा है, वो भी पुराने स्टाइल का बना हुआ है। ये है बड़ौदा म्यूज़ियम, बड़ौदा म्यूज़ियम में आ चुका हूँ। फोटोग्राफी के लिए भी बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी। तो ये पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत सुंदर। AD 1894, इतना पुराना है ये, तो बढ़िया है लोकेशन। और अब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पुराना, यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें मूर्तियाँ हैं, कुछ एनिमल्स के स्केल्टन आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ था इसके अंदर, जिसमें एनिमल्स भी पड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड पर कुछ केमिकल लगा के रियल एनिमल्स जो हैं शोकेस करे हुए हैं, और पुराने ज़माने की पिक्चर्स पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छा म्यूजियम था, फोटोग्राफी आप कर सकते हो अंदर, 100 रुपीज़ लगेंगे, वीडियोग्राफी 500 रुपये मैंने नहीं करी, तो बस मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ देने के लिए आया था। तो अब कराते हैं आपको टॉय ट्रेन की सवारी। तो दोस्तों टिकट ले ली है, 50 रुपये की टिकट है, और ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ का प्लेटफॉर्म, अभी बैठते हैं। और दोस्तों पूरा गार्डन
का जू, जू के अंदर देखिए आप। जू के अंदर से उतरे हुए आ रहे हैं हम। तो ये राइड बहुत बढ़िया रही ट्रेन की। इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा जू भी दिखा दिया, पूरा पार्क दिखा दिया, म्यूजियम के बाहर से भी आप हुआ है, तो यानी कि तीनों काम हो गए। इसलिए अब मैं जू नहीं जा रहा हूँ। जू में तो दिल्ली भी घुमा हुआ है और काफ़ी जगह घुमा हुआ वही है। तो बेसिकली आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सयाजी बाग में क्या है, और 50 रुपीज़ में आप एक राउंड ले सकते हो, और बढ़िया रहा है ओवरऑल। अभी आगे देखते हैं, लक्ष्मी विलास पैलेस चलते हैं, अगर वहाँ अलाउड हुआ तो अंदर दिखाएंगे, वरना बाहर दिखाएंगे, और फिर बड़े उतरा को कहेंगे बाय। चलिए बने रहिए चैनल पर। तो दोस्तों अभी मैं पैलेस आया हूँ, लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और मैंने पैलेस की टिकट ली है, जो कि 225 रुपये कॉस्ट करी है मुझे। अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं तो उसके साथ कॉम्बो मिल जाएगा आपको 350 का। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या रेट है। देख सकते हैं महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम, इसका अपना पूरा टिकट का 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलता है, मंडे बंद। टिकट चार्जेस कॉम्बो 350 खाली, पैलेस के लिए मैंने 225। फॉरनर्स का अलग रेट है, चिल्ड्रंस के कम है, और ये ऑडियो गाइड मिल जाती है अगर आपको लेनी हो म्यूज़ियम के लिए एक्स्ट्रा। देख सकते हैं लक्ष्मी निवास पैलेस, जो मैंने आपको घुमाया, और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बाहर कर सकते हैं। अंदर गाइडेड टूर आपको मिल जाएगा, 1, 2, 3 करके उसमें है, आप स्किप भी कर सकते हैं आगे अगर जाना चाहते हैं तो। अच्छा था काफ़ी, अगर आप बड़ौदा आ रहे हैं तो एक बार देखिए, अंदर से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक वेपन्स उस टाइम के गायकवाड़ फैमिली की, राजा महाराजाओं की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और काफ़ी सुंदर है बाहर से ये महल। और इसके अलावा 225 की टिकट मैंने आपको बताई थी म्यूज़ियम के साथ, 350। सो इसी के साथ ये लास्ट मेरा बड़ौदा में जो था प्लेस था, जो मुझे विज़िट करना था और मैंने आपको दिखाया। बस एक बात बताया था, अगर आप बड़ौदा विज़िट कर रहे हो और आपके पास कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं है तो ओला उबर आराम से यहाँ पर मिलती है। ओला बाइक यूज़ करिए अगर आप अकेले हैं, बहुत सस्ती पड़ेगी। मैं 20-25-30-30 रुपये में बड़ौदा में घूम रहा हूँ आराम से ओला बाइक की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, दोस्तों के साथ वीडियो को करिए शेयर। अगली वीडियो पे हम नई जगह पे आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।